ગાઝાબાદમાં બે દિગ્ગજ નેતાઓ હાજર હતા, જેમાંથી એક માયાવતી અને બીજા અમિત શાહ હતા. માયાવતીએ તેમના લગભગ 1.5 કલાકના ભાષણમાં કોંગ્રેસ પર સૌથી વધુ નિશાન સાધ્યું હતું. કોંગ્રેસ પર બાબા સાહેબને ભારત રત્ન ન આપવાનો આરોપ લગાવતા માયાવતીએ ખેડૂતો અને બેરોજગારીના મુદ્દે યુપી સરકારને ઘેરી હતી, તો તે જ સમયે એસપી પર પાછળના લોકોને સન્માન ન આપવાનો આરોપ લગાવ્યો. કવિનગરમાં જ્યાં માયાવતીની સભા યોજાઈ હતી ત્યાં ઘણી ભીડ હતી, પરંતુ સવાલ એ છે કે શું આ ભીડ મતોમાં ફેરવાશે? આ બાબતે જોઈએ અમારા સંવાદદાતા જતીન ગોસ્વામીનો વિશેષ અહેવાલ. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं. पश्चिमी यूपी पूरी तरह से नेताओं के फोकस में. इसी कड़ी में आज मायावती बसपा सुप्रीमो गाजियाबाद में रही. जहां पर हम मौजूद हैं यहां पर मायावती का प्रोग्राम रहा और भारी भीड़ रही. हालांकि सवाल यही है कि क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी. मायावती ने अपने करीब 1.25 घंटे के भाषण में सभी राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा. किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं सबसे ज्यादा अटैक जो है उन्होंने कांग्रेस पर किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया. बाबा साहब की बात करते हुए उन्होंने दलित वोट बैंक को साधने की पुरजोर यहां पर कोशिश की. और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कविनगर रामलीला ग्राउंड की है गाजियाबाद में, जहां पर मायावती का कार्यक्रम था. तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो आपके सामने है. देखना ये होगा कि जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतर रहे हैं और उनके दिग्गज अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं, किस पार्टी को वो नेता वोट दिलवा पाते हैं. आपको ये भी बता दें कि गाजियाबाद में आज लोनी में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, जिन्होंने एक बार फिर पूर्व की सरकारों पर क्राइम के मुद्दे और अन्य मुद्दों पर निशाना साधा. गाजियाबाद में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़.